हम कहते हैं आप सरस पर मत फेंको, जितना जिस भाव बिकता है बेच दो, आपको जो घाटा हो रहा है वो घाटा हरियाणा सरकार देगी, घाटा आपके जिम्मे नहीं पड़ेगा। सब्जियां जरूर बोनी चाहिए, ताजा सब्जी है, पता नहीं जिस दिन काटेंगे उस दिन बाजार में क्या भाव होगा, ज्यादा भी हो सकता है। अभी देखो तो प्याज ने तो आंसू ही ला दिए लोगों के, प्याज जिनके पास था खूब महंगा बिका, लेकिन हमने फिर भी कहा कि नफा आपका, प्रॉफिट हमारा। हाँ, गरीब जनता को इतना महंगा प्याज हो जाए इसका भी प्रबंध हम करेंगे। हमने सारा प्याज जो सरकारी गोदामों में होता है महाराष्ट्र से मंगाकर, सब जगह से मंगाकर, उसको डिपो जो हमारे राशन के डिपो उस पर भेज दिया कि हर हफ्ते गरीब परिवार वहां से प्याज लेके जाए, उसको महंगा प्याज ना खरीदना पड़े। तो इसलिए सब बातें साथ साथ चलती हैं। हम लोगों ने इस इलाके में, क्योंकि ये खेल खिलाड़ियों का इलाका है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हमारी राय में बनाई है, जो स्पोर्ट्स स्कूल होता था उसको स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बना दिया। वहां पर जो हमारे बहुत बड़े नामी ग्रामी खेलों में जिन्होंने यानी नाम कमाया है, कपिल देव जी, उनको उसका चांसलर बना दिया है। कपिल देव को चांसलर बनाया ताकि खेलों में हमारे इलाके के अंदर नौजवान नवयुवतियां सब शुरू से ही, चाहे बचपन है चाहे कॉलेज में पढ़ने वाले नौजवान हैं, सब खेलों के अंदर रुचि लेके आगे बढ़े, उनको खेलों का ज्ञान और ज्यादा ज्यादा हो, इसलिए हमने किया है। देश की बात जब प्रधानमंत्री जी करते हैं तो उस समय इस देश की रक्षा सुरक्षा एकता अखंडता इसकी वो बात करते हैं, इसकी वो बात करते हैं। और उस नाते से जैसे पिछले दिनों में हमारे सांसद महोदय बता रहे थे कि पाकिस्तान हमारे देश में आतंकवाद फैलाता है और उस पर कंट्रोल करने के लिए जो बाधा थी वो 370 थी, हमने उस 370 को खत्म कर दिया ताकि आतंकवाद जो है ये जड़ से मिट जाए, जड़ से मिट जाए, क्योंकि हमारे यहाँ के सैनिक वो आतंकवाद का मुकाबला करते बहुत शहीद होते हैं। इसको खत्म करने का सबसे बड़ा लाभ अगर हुआ है तो हरियाणा प्रांत को हुआ है। हरियाणा की फौज में संख्या बहुत ज्यादा है, 10% फौजी वो हरियाणा से है, जबकि आबादी हमारी सिर्फ 2% है। तो इसलिए इसका सबसे बड़ा फायदा हमको हुआ है। हमने इस इलाके को सड़कों का जाल बिछा करके जोड़ा है, KMP KGP पूरे दिल्ली के चारों तरफ एक रिंग रोड बना है, वो इस इलाके से ही होकर के कुंडली से शुरू होता है, इधर भी उधर भी हमारे बहुत नजदीक है, इसलिए उसका लाभ हमको इस इलाके के अंदर उद्योग आए इन्वेस्टमेंट आए इसका लाभ हमको मिलेगा। हमने पानी बिजली इसके लिए भी, क्योंकि इस इलाके में पानी की तो प्रभु के पास है, यमुना के किनारे हम बैठे हैं, कमी नहीं है, लेकिन जिन इलाकों में कमी है उसके लिए भी तय किया कि जैसे हर रसोई में हमने गैस सिलेंडर पहुंचाने की बात कही है, ऐसे हर रसोई में जल नल टूटी ये रसोई के अंदर होगा, टूटी खोलो अपना पानी पी लो, उन महिलाओं को दूर से जो पीने का पानी लाना पड़ता वो नहीं लाना पड़ेगा। इसी प्रकार हर गांव में 24 घंटे बिजली पर्याप्त है, हमारे पास कमी नहीं है, हमने 4,500 गांव में 24 घंटे बिजली देनी शुरू कर दी है। ये कभी नहीं हुआ आज तक हरियाणा के इतिहास में, पहली बार हुआ है। और मैं देख रहा हूं पिछले 1 साल से बिजली को लेकर के ना कोई धरना है, ना प्रदर्शन है, ना रोड जाम है, नहीं तो पहले कोई साल निकलता ही नहीं था जब तक ये जाम ना लग जाते। लगा कोई इस बार जाम बिजली को लेकर कोई बात हुई? हर गांव में पूरी मिलती है ना, अब कहते हैं 24 घंटे। कुछ किसान मेरे पास आए कि जी थोड़ी सी कम कर दो, मैंने कहा क्यों, बिल घना आने लग गया, बिल थोड़ा सा कम हो जाएगा। मैंने कहा देखो भाई ये कंट्रोल आप अपना करो, खुद परिवार के लोगों को समझाओ कि जितनी जरूरत है उतनी बिजली खर्च करें, फालतू ना करें, वरना पहले की तरह कुंडी लगा ली और कुंडी लगा के और भाई रॉड डाल दी पानी में और गर्म करके पानी भैंस ने नहाने लग गए। अब ये सब करते थे, इसको बंद कर दो, फालतू बिजली का उपयोग उसको बंद कर दो, जरूरत है तब जलाओ, अगर पंखे की जरूरत है पंखा जलाओ, एसी की जरूरत है एसी जलाओ, आपने अपने घर में फ्रिज रखा तो उसको जलाओ, लेकिन जरूरत के हिसाब से करो, फालतू ना करो, तब बिल अपने आप घट जाएगा। और हमने तो भाई क्या किया, 4.5 रुपए यूनिट था बिजली का बिल, जो थोड़ी खर्च करता है 250-200 यूनिट तक उसको 2 रुपए का रेट सस्ता कर दिया ताकि 400 रुपए सब्जी का कम हो जाए रेट।
अब 2.5 रुपए है सिर्फ उनका रेट जो 200 यूनिट तक खर्च करते हैं। तो अपनी ओर से जितना कर सकते करेंगे। क्यों हमने इन बिजली की कंपनियां जो पिछली सरकारें घाटे में छोड़ के गई थी सबका घाटा खत्म कर दिया। चारों बिजली की कंपनियां अब प्रॉफिट में आ गई है क्योंकि चोरी रोकी हमने। समाज के अंदर कोई गलत अगर आदत लग जाए उसको रोकना पड़ता है। पिछले जो मुख्यमंत्री रहे लीडर रहे वो ये कहते थे भाई ये बिजली के बिल भरने की जरूरत नहीं। विपक्ष में आते थे ये कहते थे ना ये उकसाते थे कि नहीं उकसाते कि बिल ना भरो। हम कहते ना भाई थोड़ी फैलाते हम कि ये बिजली का बिल भरना चाहिए। ये जनता का पैसा है आप सबका पैसा है। इधर से आएगा फिर आपके इलाके में लग जाएगा हमने कहां ले जाना। हमारी तो भाई वो गिनी चुनी तनख्वाह है। उस तनख्वाह में से जब थोड़ा बच जाता है तो 5 साल बाद उसके ऊपर भी लोग सवालिया निशान लगा देते हैं। मैंने अभी पिछले दिनों अखबारों में पढ़ा कि हरियाणा का मुख्यमंत्री बड़ा दावे करता है कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया और हम जो है अपने घर में अपने पैसे से गुजारा करते हैं। मुख्यमंत्री की जायदाद डबल हो गई है। मैंने भी एफिडेविट देखा भाई हमारे वकील ने भरा था वो। मैंने कहा क्या हो गया भाई डबल हो गई ये लोग कह रहे हैं क्या है। देखा कि हमारे पिताजी को जमीन 2-3 किल्ले मेरे नाम छोड़ के गए थे। एक 50-60 लाख तो उसका था। एक मकान छोटा था 2-4 लाख बैंक में थे। ऐसे कुल मिलाकर के पिछले 5 साल पहले 61-62 लाख रुपए की मेरी प्रॉपर्टी मेरी संपत्ति दिखाई गई। इस बार क्या हुआ उसमें इतनी 62 लाख और जुड़ गई। कैसे जुड़ी अरे भाई मुख्यमंत्री को तनख्वाह मिलती है उसको अलाउंस मिलते हैं बहुत से। वो मेरा खर्चा तो कुछ ज्यादा है नहीं। रसोई का खर्चा 15,000 रुपये 2-4 हजार रुपया दवाई पानी का खर्चा आता होगा। 5-4 हजार रुपया या 10,000 रुपया साल का कपड़ों का खर्चा आता होगा। कुर्ते पजामे में दो ये पहनने और कुछ करना नहीं है। अब इतना खर्च करने के बाद भी 1 लाख रुपए महीने का बचना शुरू हो गया। वो 5 साल में बढ़ गए 60 लाख 5-4 लाख बढ़ गए ब्याज के तो 65 लाख अब 62 लाख पिछले 65 लाख ये हो गए 1,27,00,000। कहते जी डबल हो गए। अब ये तो पीड़ा हमारे विपक्षी लोगों को के तनख्वाह के पैसों को कहते डबल हो गए। और जब मैंने उनके एफिडेविट खोल के देखे तो किसी की प्रॉपर्टी 300 करोड़ किसी की 400 करोड़ किसी की 500 करोड़ 50-60 करोड़ 5 साल में बढ़ गई 5-5 किलो सोना। तो भाई क्या खाओगे ये भ्रष्टाचार का पैसा इकट्ठा करके क्या ले जाओगे। सिवाय जब इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे वो आपकी इंक्वायरी करेंगे पूछेंगे कहां से लाए हो। आपको जवाब नहीं होगा तो सीधे काल कोठरी में 10 लाख के गिनोगे जाकर 10 साल के। ये गिन रहे हैं पिछले एक मुख्यमंत्री नौकरियों के कारण से गिन रहे हैं। जो नौकरियां हमने ना शक्ल देखी ना नाम देखा ना जिला पूछा जो मेरिट के ऊपर लोग आए हरियाणा के उन सबको नौकरी दी कोई एक भी पैसे की उसमें गड़बड़ नहीं। आज हरियाणा का समाज इस बात के लिए खड़ा है कि भी नौकरियां बहुत अच्छी हुई। इस इलाके में कुछ नौकरियां मिली हैं कुछ पांचों गांव में मिली है कुछ। किसी का अन्नापाई लगा किसी की चाय का खर्चा किसी का लगा उसमें घर बैठे लेटर आ गया कि जाओ फटाफट 24 घंटे में ज्वाइन कर लो क्योंकि एक शख्स। धन्यवाद। क्योंकि एक खतरा और भी हो जाता कि अगर ज्वाइन नहीं करोगे ना ये विपक्ष के लोग इस आड़ में बैठे रहते हैं किसी को भी उकसाया कि भाई कोर्ट में चला जा स्टे लग जाएगा और जाके स्टे लगवा देते हैं। अब कोर्ट वाले भी बिना सोचे समझे कई बार तो लगा देते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि मामला क्या है। 2-4-6 महीने में जाके स्टे टूटता है। अगर ये स्टे वाली कहानी ये ना कराते विपक्ष के लोग तो जो हमने 72,000 नौकरियां लगाई हैं ये 1 लाख से ऊपर हो जाती सरकारी नौकरियां 1 लाख से ऊपर। तो भाई मैंने काम करने के लिए मैंने बहुत किए हैं। आज तो इतनी बात है कि सारे देश में जैसे नरेंद्र मोदी जी अच्छे काम कर रहे हैं कई स्कीमें चला रहे हैं गरीबों के लिए चाहे वो किसान हो चाहे मजदूर हो चाहे छोटे दुकानदार हो चाहे पूर्व सैनिक हो खेल खिलाड़ी हो महिलाएं हो युवा हो हर किसी वर्ग के लिए योजनाएं बनाई गई हैं। इन योजनाओं का लाभ हर किसी को सीधा पहुंच जाए इसके लिए हमने सिस्टम बनाए हैं कि कंप्यूटर सेंटर जगह जगह बना दिए हैं। अब चक्कर काटने की जरूरत नहीं है दलालों के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं। अपना जाके फार्म भरो और अपनी सुविधा जाकर के ले लो।
आपके पास किसी के पास भी मोबाइल होगा ना, उसके ऊपर मैसेज आएगा कि आपकी एप्लीकेशन 10 दिन में लाभ मिलेगा, 15 में मिलेगा, महीने में मिलेगा, घर बैठे मिलेगा, किसी दलाल के चक्कर में ना आना। ये जो धौड़ कपड़ी है ना बीच में, सफेद कुर्ते पजामे पहन के मांड लगा के घूमते हैं, मेरी हथेली गर्म कर दे, 10,000 दे दे, 5,000 दे दे, आधा तेरा आधा मेरा, और करके सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवाते हैं। हमने इनके सबके कुर्ते पजामे उठा के भाइयों बहनों खुट्टी पर टकवा दिए कि आगे से जनता के बीच में मत जाना। अब कोई आता है ऐसा दलाल बिचौलिया? आता कोई नहीं आता, सीधी सेवा आपको मिलेगी। अभी भी कुछ कमियां हैं, कहीं कहीं से शिकायतें मिल जाती है, मिलते उठा करके अंदर करते हैं, उसको उठा के अंदर कर देते हैं। आगे भी इन चीजों में व्यवस्थाएं सेट करेंगे, क्योंकि मोदी जी का एक ही सपना कि भ्रष्टाचार को जीरो कर दो, लोगों को सीधी सेवा मिलनी चाहिए, लोग हमारे अपने हैं, बीच में ये जो गड़बड़ करने वाले हैं इनको सबको हटाएंगे, थोड़ा समय और लगेगा, विकास के काम काफी हुए हैं, जितने करने बाकी हैं अभी भी, ये तो लगातार होने वाला काम है, आगे भी करेंगे। कांग्रेस वाले आएंगे आपको बहकाएंगे, अच्छी तरह बहकाएंगे, क्या कहेंगे कि हम आपके लिए आसमान से सितारे तोड़ के लाएंगे, ये मुफत वो मुफत, ये मुफत 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 कह के आपको बहकाएंगे। अब ये पता नहीं है कि उन्होंने जो घोषणा पत्र अपना जारी किया है उसमें 1,25,000 करोड़ रुपए की योजनाएं दी हैं, जो हरियाणा में कभी पूरी हो ही नहीं सकती। इतना तो मेरी आमदनी नहीं है, बजट ही नहीं है, अगर पैसों से पूरा होगा ना, पैसे आएंगे कहां से? टैक्स लगाने पड़ेंगे। हरियाणा की जनता अगर टैक्स लगा दिए, पहला तो शराब की दुकानें ज्यादा खोलनी पड़ेंगी, क्योंकि उसमें से टैक्स आता है। है मंजूर? है मंजूर आपको? नहीं। फिर वो चाहेंगे कि अब इनकम टैक्स तो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, जीएसटी भी सेंट्रल गवर्नमेंट का हो गया, यहां तो सिर्फ पेट्रोल डीजल पर वैट लगा सकते हैं, डीजल पेट्रोल को वैट लगा के महंगा किया जाए, है मंजूर आपको? नहीं। तो फिर ये लोक लुभावनी बातों पर आप लोग सोच समझ के, वैसे तो पहले सोच समझ हम करते ही हैं, उन्होंने पिछले 5 साल पहले भी ऐसे ही किया था गुहाना में रैली करके, तब भी अधिकारियों ने हाथ खड़े कर दिए थे, हम इसको पूरा नहीं कर सकते। इस बार भी उन्होंने यही किया है, लोकसभा के चुनाव में भी यही किया था कि इन्होंने एक बड़ी बड़ी स्कीमें, हर परिवार को हम 72,000 रुपए देंगे, कहां से देंगे भाई? आखिर कुछ तो सोर्स होता, कुछ इनकम का, कुछ आय के साधन तो होंगे, नहीं है उनके पास। हमने तो भाई घोषणाएं की हैं सिर्फ 32,000 करोड़ रुपए की, और हमको पता है कि हम 6,000 करोड़ रुपया हर साल में उसको निकाल सकते हैं, डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए भाई बहनों मैं आपसे निवेदन करता हूं कि काम वो करना जो लगे कि हाँ ठीक आदमी बोल रहे हैं, विश्वास उस पर करना जिसकी नीयत साफ हो, जिसकी नीयत साफ हो। आपने उनकी नीयत देख ली, हमारी नीयत देख ली, मोदी जी की नीयत देख ली। तो इसलिए अगर हमको लगता है कि मोदी जी देश में ठीक काम कर रहे हैं, हरियाणा में मनोहर लाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ठीक काम कर रही है, तो मैं आपसे अपील करता हूं कि आने वाली 21 तारीख को यही एक समय है जब आप ठीक दिशा में चल पड़े तो आपको लाभ होगा। थोड़ा सा मन बिचल गया तो 5 साल भुगतना पड़ता है। अपने इस इलाके का विधायक, एक साफ सुथरी छवि का आदमी, मिलनसार आदमी अगर बनेगा तो हमारे मोहनलाल जी बड़ौली इनके अलावा कोई नहीं हो सकता। आप 21 तारीख को अपने प्रत्याशी श्री मोहनलाल बड़ौली जी के सामने कमल का बटन मशीन के ऊपर दबाकर, इतने बटन दबा दो कमल के कि मशीन भी घबरा जाए, कमल 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 कमल। राय का लाल, मनोहर लाल कि मोहन लाल, क्या है? मोहनलाल जी को वोट डालेंगे तो अपने आप मनोहर लाल को पड़ जाएंगे, चिंता मत करना, क्योंकि इस प्रदेश में हमने अपना टारगेट रखा 75+ का, और ये 75+ का जो टारगेट हमको पूरा करना है आपको मंजूर? है मंजूर? अगर ये मंजूर है तो उसमें राय जरूर, ठीक है, उसमें राय जरूर, राय ला के देंगे,
तभी आपको इसका आनंद आएगा, तभी आपको लगेगा कि हमारा भी सरकार में कुछ होने वाला है। देखिए एग्रीकल्चर के मामले में बहुत काम कर रहे हैं। अभी तो पिछली बार हमने एक एग्रीकल्चर की हॉर्टिकल्चर की नहीं, ठीक है उनकी बात ध्यान में आ गई। अरे सुनो भाई यार, उनकी बात ध्यान में आ गई। रहो रहो यहीं रहो आप, सुनो। नहीं ठीक बोला आपने, सुनो। देखिए हमने अभी पिछले साल में हॉर्टिकल्चर की यूनिवर्सिटी बनाई है करनाल के अंदर। पहले एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हमारी हिसार में, उसके भी कई सेंटर चल रहे हैं, और यहाँ पर हमारा हॉर्टिकल्चर के भी कई सेंटर बनेंगे। राई के इलाके में भी हम हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और सब्जियां, इसको बोने के लिए कोई ना कोई व्यवस्था करेंगे, ताकि एक व्यवस्था से आप लोगों को उसका लाभ मिल सके। हमने वैसे यहाँ एक खुम्बी उत्पादन फार्म वो मुरथल में बनाया हुआ है ना, है ना? हाँ, तो खुम्बी उत्पादन फार्म यही मुरथल में है। इसी प्रकार यहाँ की खेती को प्रमोट करने के लिए, न केवल यहाँ के लिए बल्कि दिल्ली के चारों तरफ जो हमारे किसान भाई रहते हैं, उन सब के लिए विशेष व्यवस्थाएं करेंगे, ताकि दिल्ली को यहाँ की सब्जी, दूध, खुम्भी, जो जो चीज उत्पादन कर सकते हैं उस ट्राई करें। दिल्ली की मार्केट बहुत बड़ी मार्केट।